क्या आपका भी माइनक्राफ्ट का नेम ऐसा है? डोंट वरी। तो आज के इस वीडियो में लिटरली आपका जो ये वाला नेम है ना उल्टा सीधा, इस नेम को ऐसे कर दूंगा। मतलब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप लोग खुद के कस्टम नेम लगा सकते हो माइनक्राफ्ट के अंदर। तो माइनक्राफ्ट को साइन इन करने के बाद लिटरली जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है वो है हमारा माइनक्राफ्ट का गेमर टैग। मतलब जो माइनक्राफ्ट के अंदर ऊपर जो नाम है ना, जो हमारा नेम होता है वो कुछ अलग से लिखा होता है यार। तो लिटरली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, बहुत ही इजीली आप इसको अपने खुद के नाम या कोई भी कस्टम नाम आप दे सकते हो। एंड पहले गाइस मेरे को जानना है यार ये क्या लिखा हुआ है यार। तो लेट्स गो, एक बार इसको नाम को थोड़ा पढ़ के देखते क्या है। तो गाइस चलो यहां पे देखते यार क्या नाम है लिटरली। सिल्वेटिक सोडा 686। ओके तो गाइस जैसे आपको पता होगा माइनक्राफ्ट के अंदर यहाँ पे अब गेम के अंदर ही आपको यहाँ पे चेंज गेमर टैग का ऑप्शन आता है प्रोफाइल पे जाने के बाद। लिटरली ये चीज आप बिल्कुल मत करना, ये अगर करोगे तो भाई झंझट में पड़ जाओगे। चलो गाइस मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कैसे आपको चेंज करना है। गाइस मैं आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय लेके आया हूं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक को आपको क्लिक करना है। जैसे उस लिंक को आपको क्लिक करोगे तो आप ऐसे वेबसाइट पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है चूज योर न्यू गेमर टैग। जी हां गाइस इसी का आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देते हैं अपने मेन जो एक्सबॉक्स है चेंजिंग गेमर टैग में। तो गाइस यहाँ पे आपका जो गेमर टैग है यहाँ से आपको चेंज कर लेना है। उससे पहले गाइस अगर आपका नया चेक कर लेना आपका गेमर टैग ऐसा है या नहीं, पहले आप देख सकते हो कोई सेम ही नाम है, आपको चेक कर लेना आपका आईडी। अगर आपका वो वाला आईडी नहीं है तब नीचे यहाँ से स्विच डिफेंडर अकाउंट यहाँ पे अलग ऐसा अकाउंट कर सकते हो जो अकाउंट पे आपका साइन इन है। तो राइट, तो गाइस यहाँ पे चलो अपने मेरा जो नया गेमर टैग है उसको मैं डाल लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपको याद रहे ऐसा वैसा नहीं डालना, नीचे आपको यहाँ पे देखो इनका अल्फाबेट इधर पे दिया हुआ है तो इनके हिसाब से डाल लेना है। तो चलो गाइस मैं यहाँ पे डालता हूँ सीए गेमिंग 420। तो गाइस ये डालता हूं एंड भाई पेस मत देना ज्यादा, इग्नोर करो पेस को एंड लास्ट पे कुछ संख्या ऐड कर दो, नंबर ऐड कर दो लास्ट में, जिससे कि आपका ये गेमर टैग सक्सेसफुली ले ले। तो गाइस मेरे जैसा आप भी गेमर टैग बना लेना, यहां पे आपको नीचे क्लिक कर देना। जैसे नीचे क्लिक करोगे यहां पे वापस सब बोलेगा ये यार आपका गेमर टैग ऐसा था ऐसा होगा। आपको क्या करना है यहां पे चेंज गेमर टैग पर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहां पे जाएगा आर यू श्योर, हां भाई मैं श्योर हूं मेरा उसको टैग को चेंज करना है। तो गाइस जैसे आपको यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको करना है क्लिक। तो गाइस यहां पे आपको लिटरली क्लिक करने के बाद आपको यहां पे सक्सेसफुली दिखा देगा, ऊपर दिखा ना सक्सेस। तो आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करने ना, जैसे आप लोग यहाँ पे रिफ्रेश करोगे ना लिटरली आपको देखो ऊपर वाला वो जो सोडा वोडा क्या था वो चेंज होके ये हो गया। एंड आपको क्या करना वापस से आपको सबको हटा के लिटरली आपको माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना। जैसे आप लोग माइनक्राफ्ट को ओपन करोगे लिटरली आपका जो गेमर टैग है वो चेंज हो जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ से गोल गोल ऐसा घूमता है आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट को बंद करके एक बार रिफ्रेश करना है, माइनक्राफ्ट को ऑन करना है, वो भी ऑफलाइन ऑन करना है, फिर आपका ये ठीक हो जाएगा। एंड गाइस जिन लोगों को साइन इन करना नहीं आता वो लोग देखो आई बटन में वीडियो आ रहा है कैसे साइन इन करना है माइनक्राफ्ट के अंदर, बहुत इजीली है मैं बता चुका, तो यहाँ पे वीडियो देख सकते हो 100% साइन इन हो जाएगा। एंड एंड पे ये बताना चाहता हूँ जिन लोगों को अभी तक अपने गेमर टैग को चेंज नहीं कर पा रहे हो तो वो लेके एक काम करना, नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जाओ डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, मेरे को डीएम करो, मैं आके आपको वॉइस चैट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को गेमर टैग को चेंज करना है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे माइनक्राफ्ट के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। तो चलो गाइस मैं मिलता हूं सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।